जय हिंद एवरीवन। बिहार सरकार की जय हो। शहीदों और फौजियों का सम्मान ना करो, सिर्फ अपनी राजनीति का सम्मान करो। जनाब, कितना दुख होता है कि एक असहाय माँ का एक वीर सपूत खो जाता है और बिहार पुलिस अपने निष्ठा पर उतरा हुआ है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है बताइए, जो एक जवान शहीद हो जाता है अपने देश के लिए और बिहार पुलिस जैसा प्रशासन उस शहीद के बाप का अपमान कर रहा है। शहीद जय किशोर सिंह जो गलवान घाटी में शहीद हो जाते हैं, वैशाली जंदहा का ये सपूत, और आज एक खबर आती है कि बिहार पुलिस उसके स्मारक को वहां से हटाना चाहती है। आज बताइए, आज अपने देश में एक राज्य ऐसा है जहां पर एक शहीद का स्मारक को हटाने के लिए विवाद हो रहा है। उस शहीद की शहीदी किसी को याद नहीं रह रही है। एक तरफ कभी खबर सुनने को आ रहा है कि सेना के जवान को दौरा कर पीटा जा रहा है, तो दूसरे तरफ ये खबर आ रही है कि शहीद जवान को भी सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके पिता को सम्मान नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि उनके स्मारक को हटाने की बात चल रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये खबर और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये सुनना कि हमारा बिहार ऐसा है जहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। और हमेशा से हमने ये सुना है कि बिहार हमेशा से गर्व महसूस करवाने वाला काम करता रहा, लेकिन आज बिहार में ऐसी चीज़ें होने लगी है जो बहुत ही शर्मसार है। और उस शहीद के जब शहीदी आई थी उस वक्त न जाने कितने बड़े बड़े नेता आए थे उन शहीदी को याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन आज उन शहीदी के स्मारक को हटाने के लिए यहाँ राजनीति हो रहे हैं। शहीद जय किशोर सिंह एवं उनके परिवार को मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं और ओमकार ठाकुर उनके परिवार के साथ है। और मैं अपील करना चाहता हूं बिहार के जनता से कि आप लोग जागरूक होइए और प्लीज़ इनका साथ दीजिए। आजकल ऐसे खबर हमें बहुत ही मर्माहित करते हैं। प्लीज़ आप लोग जगिए, क्योंकि अभी जगने की ज़रूरत है। जय हिंद।